नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वे टू से समथिंग इज़ इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प है या तो बोरिंग यानी बहुत ही वेदन है बोल के। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, इट इज़ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का जो मीनिंग होता है दोस्तों यहाँ पे, ये बहुत ही दिलचस्प है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बोल के। और दूसरा जो दोस्तों यहाँ पे, इट्स इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है यहाँ पे ये पेचीदा, यानी धीरे धीरे से मुझे इंटरेस्ट आ रहे, मतलब धीरे धीरे से कोई इसमें दिलचस्प बात है बोल के। आई कुड नॉट पुट इट डाउन। अगर आप बहुत ही कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही आपको इंटरेस्ट लग रहे हैं, तो मैं इसको मतलब नीचे नहीं रखने के लिए कोई मन नहीं, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, सो मैं इसे नीचे नहीं डाल सकता। तो कुछ भी अगर हम चीज़ या तो कुछ हम बुक पढ़ते रहते हैं, यानी इसको हमें अभी मैं नीचे नहीं रख सकता, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी इतना इंटरेस्टिंग ये सब मैटर है बोल के। आई वॉज सो इन टू इट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मतलब मैं इतना इसके अंदर गहरा डूबा था, मुझे जो समय बीत गया तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा बोल के, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था बोल के। इट डज़ नथिंग फॉर मी, यानी ये मेरे लिए कुछ नहीं करता, मतलब इसमें कोई मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इसका मतलब। आई वॉज बोर टू टीयर्स, मतलब मैं आंसुओं से उबा गया था क्योंकि इतना बोर हुआ था, मतलब बहुत ही बोर हुआ था। जब भी हम जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत ही बोरिंग है, तो तब हम ऐसा सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई वॉज बोर टू डेथ, मतलब बोर टू डेथ का मतलब होता ज़्यादा ही मतलब बोरिंग था, कोई थोड़ा भी मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, तो इसका मतलब होता आई वॉज बोर टू डेथ बोल के होता दोस्तों सेंटेंस। आई वॉज डाइंग ऑफ बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है यानी बोर हुआ, मतलब इतना बोर हुआ था, मतलब मुझे वहाँ से बचने का मतलब कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था, इतना बोर हुआ था मुझे। इट इज़ अबाउट एक्साइटिंग एज वॉचिंग ए पेंट ड्राई, इसका मतलब होता है इट इज़ वेरी बोरिंग। तो ये जो अलग अलग प्रकार के हम जो बात कर सकते हैं, यानी फ्रेसेस हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है यानी कुछ बोरिंग बोल के, तो ये था स्मॉल टॉपिक दोस्तों। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे, फ्रेसेस फॉर चीरिंग समवन अप, यानी कोई अगर आपका फ्रेंड या कोई आपका जो साथी अगर कुछ गेम यानी कुछ गेंद खेल रहे, तो उनको अगर आप चीरिंग करते, यानी जय जयकार हम बोल सकते हैं यूजरली। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है, सो व्हाट्स द मैटर, मतलब क्या बात है, पूछते हैं ना हम यूजरली, क्या बात है भाई बोल के ऐसा। सो व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या गलत है। सो आर यू ऑलराइट, क्या आप सच ठीक हो, मतलब आपने आप सब कुछ ठीक है बोल के पूछते हैं। यू लुक ए बिट डाउन, मतलब थोड़ा आप मतलब सैड है, मतलब आप थोड़ा दुखी दिख रहे हो इसका मतलब। इज देयर एनी थिंग आई कैन डू टू हेल्प, मतलब मैं क्या आपके लिए मतलब कुछ मदद कर सकता हूँ। चीरअप, चीरअप का मतलब होता खुश हो जाओ, मतलब आप ये जो मोटिवेट, मतलब मोटिवेशन आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, अरे यार अब मतलब आप चीरअप हो जाओ, मतलब आप खुश रहो बोल के। इट इज़ नॉट सो बैड, मतलब ये इतना भी बुरा नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक है इसका मतलब। एवरी थिंग विल बी ओके, यानी सब ठीक होगा, यानी सब ठीक हो जाएगा। लुक ऑन द ब्राइट साइड, सो ब्राइट साइड का मतलब होता खूबियों को देखो, यानी पॉजिटिव साइड पे देखो, आप नेगेटिव मत सोचो इसका मतलब। जो लास्ट वन जो है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया का अंत नहीं है, मतलब जो भी हम कभी कभी हम जो सैड फीलिंग होता, यानी हम लोग नेगेटिवली हम डीमोटिवेट होते, तो वो टाइम पे अगर हम किसी से यानी दूसरे को अगर हम ये बोलते, सो इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यही चीज़, मतलब ये अंत नहीं है, यानी दुनिया अंत नहीं है, तो इसके और भी हम कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे मैटर के ऊपर आप फोकस करो, ताकि आप अपना जो मतलब जो खुश रहने का जो ये है आप अपने आप ला सकते हो बोल के। तो ये था दोस्तों दो टॉपिक आज का वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर मैं फिर नया दो टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर आपको लाइक है तो सो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अभी अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगले मतलब नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।